टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन एकेडमी। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था रैशनल नंबर, जिस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका था उसका डिफिनीशन, रैशनल व्हाट इज रैशनल नंबर, और एग्जांपल के साथ नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हुए थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर और पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर का, रैशनल नंबर का, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देख चालू करते हैं। मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जान चुके थे क्या होता है। अ नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए कंपैरिजन, जहाँ भी कंपैरिजन देखने को आ जाए तो समझ जाइएगा तुलना करने का मन बोल रहा है। तुलना मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतना दिमाग में चलना चाहिए। कंपैरिजन जैसे ही बोल दिया गया तो समझ जाना चाहिए कौन बड़ा कौन छोटा, यही हमको करने बोल रहा है। तो रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया गया है, यही कंपैरिजन, जो इस एक रैशनल नंबर और सेकेंड दूसरे रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, तो वही है। तो केस फर्स्ट क्या आता है इस टॉपिक में, केस फर्स्ट क्या आता है, एनी टू रैशनल नंबर पी वाई क्यू एंड आर गिवन। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, जब कभी दो रैशनल नंबर दिया हो या पी वाई क्यू एंड आर वाई एस जब दिया हो तो इसमें से कंपैरिजन करना है कि आप पी वाई, ये लेफ्ट साइड मतलब पी वाई क्यू और आर वाई एस, ये लेफ्ट साइड हुआ एल एच एस, ये राइट साइड हुआ आर एच एस। तो हमें कंपैरिजन करना है एल एच एस बड़ा है या आर एच एस बड़ा है, आर एच एस बड़ा है या एल एच एस बड़ा है, वही कंपैरिजन करना है। जब दो रैशनल नंबर दिया रहे तब हमको कंपैरिजन करने बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब पी का मल्टीप्लाई एस से, आर का मल्टीप्लाई एस से। ये पी इस साइड है, हम इस साइड लिखेंगे पी इंटू एस इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, मतलब आर है आर इंटू क्यू। अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इस साइड का वैल्यू बड़ा है, बड़ा आता है, और इस साइड का वैल्यू छोटा आता है, तो हम क्या बोलेंगे, पी इंटू एस इज ग्रेटर देन आर इंटू क्यू, मीन्स दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इंटू एस। तो पहला केस क्या था, यही था, एनी टू रैशनल नंबर पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर गिवन। तो एग्ज़ाम्पल के साथ देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल में हम चलते हैं। जैसे 3/4 -4 एंड -5/6, ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे 3/-4 इज इक्वल टू -5/6। अब इसका हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको हमको लिखना है 3 × 6 इज इक्वल टू -5 × -4। अब इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 6 × 3 = 18 एंड -5 × -5 वी नो डैट -×- इज प्लस देन 5 × 4 = 20। अब देखिए 18 बड़ा है या 20 बड़ा है, स्वाभाविक बात है 20 बड़ा है 18 छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एल एच एस था, ये आर एच एस था, तो हम क्या बोलेंगे आर एच एस इज़ ग्रेटर देन एल एच एस, और या
या -5/6 इज ग्रेटर देन 3/-4। यही है कंपैरिजन, यही है फंडा। क्या है ये फंडा? कंपैरिजन कहलाता है, कंपैरिजन कहलाता है, समझ गए। जब दो डेसिमल नंबर दिया हो तो कंपेयर करने का तरीका यही है। PQ इज इक्वल टू RYS, LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे। हमको देखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो ये P × S इज ग्रेटर देन R × Q, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो R × Q इज ग्रेटर देन P × S। तो एक पहला केस ये था। अब दूसरा केस कहता है केस 2। सेकंड केस क्या कहता है? मोर देन टू रैशनल नंबर। ये है सेकंड केस। जब कहता है एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा रैशनल नंबर रहे, तब कैसे कंपैरिजन करके बताएंगे जो कौन सा रैशनल नंबर किससे बड़ा है। तो उसका भी यही तरीका है। फर्स्ट क्या क्या करना है इसमें देखिए। जैसे अगर दिया है PQ एक रैशनल नंबर, RYS एक रैशनल नंबर, एंड कुछ भी ले लेते हैं टी बाय एल इज एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। तीन रैशनल नंबर दिया हुआ है, मतलब दो से ज़्यादा रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जितना भी रैशनल दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ गिवन रैशनल नंबर। क्या करेंगे? फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ गिवन रैशनल नंबर, मतलब QSR, मतलब QS और L का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद हमको जो भी एलसीएम आया था उसको हमको क्या करना था? एक्सप्रेस, स्टेप टू है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर विथ एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब क्या? एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर विथ द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। जो एलसीएम आया था उसको प्रत्येक PQ के डिनोमिनेटर में, किस प्रत्येक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमको वो उससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है जो रैशनल नंबर उसको एलसीएम करने के बाद आया था। उसके बाद जो नीचे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऊपर भी करेंगे और वैल्यू जो आएगा वही लिखेंगे। तो देखिए एग्जांपल के साथ चलिए एग्जांपल बताते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल में दिया है -3/5, -7/10 एंड -5/8। ये तीन रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें से कंपैरिजन करना है कौन इससे बड़ा है, कौन इससे छोटा है, कौन इससे बड़ा है, यही करना है। कंपैरिजन करने का मतलब यही है जो किस कौन किससे बड़ा है, कौन सा वैल्यू किसके साथ किससे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो क्या करना है? तीन रैशनल नंबर हमको क्या करने बोला था? फर्स्ट स्टेप एलसीएम ले लेना है। 5, 10 और 8 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा एलसीएम? 2, 5, 5, 4, 5, 1, 1, 4 हो गया। 5, 2 जा 10, 10, 4 जा 40। तो एलसीएम कितना आया? 40 आया। एलसीएम कितना आया? 40 आया। अब हमको क्या करना है? ये जो दिया हुआ है -3/5,
माइनस थ्री बाई फाइव गिवेन क्या है, माइनस थ्री बाई फाइव। अब हमको डिनोमिनेटर नीचे का वैल्यू को हमको कितना लाना पड़ेगा, 40। एलसीएम किए हैं नीचे, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है 40, इसको हमको नीचे लाना है। 3/5 दिया हुआ था, अब हमको क्या मल्टीप्लाई करें जो 40 आएगा, तो 5 8 जा 40, 8 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 8, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा क्या, 8 3 जा 24, मीन्स -24/8 5 जा 40, आ गया 40, ये एलसीएम 40। अब दूसरा क्या था, दूसरा रेशनल नंबर क्या दिया हुआ था, -7/10। अब हमको इसको भी 40 करना है, तो 10 4 जा 40, तो हमको जो नीचे गुना करेंगे वो भी ऊपर गुना करेंगे, 7 4 जा 28, -28 और 10 4 जा 40, एलसीएम आ गया 40। चलिए अब सेकंड के थर्ड क्या दिया हुआ था, -5/8, -5/8, इसको भी 40 बनाना है नीचे का, 8 × 5, 5 × 5, क्यों, 8 5 जा 40, तो जितना नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर भी गुना करेंगे, तो -5 25, 8 5 जा 40। अब देखिए सब का 40 40 40 आ गया। अब हम बता सकते हैं सब में माइनस लगा है, सब में माइनस लगा है, सब में माइनस लगा है, क्लियरली हम देख रहे हैं क्या, क्या देख रहे हैं, -28/40 इज लेस देन किससे, -25/40, -25 किससे छोटा, -24/40, हो गया ना। जो वैल्यू जिस वैल्यू माइनस में अगर जिसका वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है, और माइनस में जिस जो वैल्यू कम होता है वो बड़ा वैल्यू कहलाता है। इसका फंडा मालूम होगा आप लोगों को, इसीलिए हम लिख दिए -28 < -25 < -, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हुआ, ये वैल्यू, तो ये क्या हुआ, इधर से इधर, ये वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू उससे छोटा वैल्यू है, ये वैल्यू उससे भी छोटा वैल्यू है, तो कंपेरिजन करने का तरीका हो गया यही। नहीं तो और सॉल्व करना है इसको, तो और कट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, -7/10 और कर दीजिए, -5/8 और कट कर दीजिए, -3/5, इसको सॉल्व करना है, और इसको कट करने के बाद छोटा से छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिएगा, तब लिखना है -7/10 इज लेस देन -5/8 इज लेस देन -3/5, -3/5, ये वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, ये भी सही है, ये भी सही है, दैट इज़ योर आंसर। कंपेरिजन करने का तरीका यही है, समझ गए कंपेरिजन करने का क्या तरीका है। थैंक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में क्या रहेगा हमारा, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, यही सब पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।